ये हमारी फिल्म का नाम है हंसा एक संयोग, और ये किन्नर के ऊपर आधारित है। जो हमारे यहाँ किन्नर लोग होते हैं उनके ऊपर आधारित ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है, और आज इस फिल्म का जो है हम लोग एक बधाई सॉन्ग यहाँ पर फिल्मांकन कर रहे हैं। और ये हंसा एक संयोग जो फिल्म है, हम लोगों ने किन्नर बेस्ड फिल्म है। किन्नर लोगों के साथ में इस देश के अंदर, समाज के अंदर किस प्रकार से वो रहते हैं, क्या उनके विचारधारा हैं, और समाज उनको स्वीकार करता है या नहीं करता, इस प्रकार का बहुत सारा फिल्मांकन हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के द्वारा? मैसेज यही देना चाहते हैं कि किन्नर लोग भी हमारे ही घरों में पैदा होते हैं, हमारे ही परिवारों में पैदा होते हैं, और फिर उनको ये समाज उनको स्वीकार क्यों नहीं करता और हमसे दूर क्यों रखता है ये समाज। उनके माँ बाप ही उनको अलग कर देते हैं, समाज भी उनको दूर करता है। आज उनको कोई बिठाना नहीं चाहता, उनको कोई नौकरी देना नहीं चाहता, उनसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता उनका। वो जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार भी हमारी जो है उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया, लेकिन क्या करे, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनको, अपने ऑफिस में कोई उनको रखने को तैयार नहीं है, कोई उनके साथ घूमता भी है तो उनको लांछन लगा दिया जाता है, बहुत सारी व्यथाएं। तो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। शूट होने जा रही है इस फिल्म के, ये अभी हमारी मुंबई में हम लोग इसका शूट कर रहे हैं, और दो गाने हम लोग इसके छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। और कब तक शूट पूरा हो जाएगा और ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? हम इसको 40 से 50 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इस फिल्म को, और मेरे ख्याल से हम मई में इसका ट्रेलर भी, जून तक हम इसका 15 जून से पहले पहले ट्रेलर भी रिलीज कर देंगे। और स्टार कास्ट की बात करें तो और कौन कौन स्टार? स्टार कास्ट में हमारे यहाँ शरद सक्सेना जी हैं, जो किन्नर के दादाजी हैं, और अपने शाया जी सिंधे साहब हैं किन्नर के फादर का रोल, वैष्णवी जी जो हैं वो किन्नर की मदर का रोल कर रही हैं, और हमारे किन्नर का रोल जो है अपने मेन जो गुरु का रोल है वो हमारे अखिलेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं, और एक बड़ी बात और है कि शबनम मौसी जो है वो भी हमारे साथ में इस गाने में बधाई सॉन्ग में महागुरु के रूप में है। एक गाने के लिए शबनम मौसी जी महागुरु के रूप में है। इसके अलावा 377 को लेके क्या फिल्म में दिखाया जी, गया जी, है जी, जी, उसको हटाने के लिए स्क्रैप करने के लिए? देखिए ये उस समाज से संबंधित है, 377 वगैरह ये केस चल रहा है, तो इसके बारे में अपन लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना कहूंगा कि हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि किन्नर लोग भी हमारे ही बीच में पैदा हुए हैं, तो उनका सम्मान करें बस।